हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 1 दिसंबर है और हम पढ़ेंगे 30 दिसंबर की, 30 नवंबर की, सॉरी 30 नवंबर की डेली करंट अफेयर। और आप देख रहे हैं पावर स्टडी, पावर पॉइंट स्टडी चैनल। उसमें पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। ये डेली करंट अफेयर आपको सभी एग्जामों में वर्क करेगी, ठीक है। ये रेलवे, NTPC, ग्रुप डी वगैरह सभी एग्ज़ामों में आएगी। अभी फ़िलहाल में नैरो कॉस में, अभी नैरो कॉस एक कंपनी है जिसने, नैरो कॉस ने विशाखापट्टनम में नैरो कॉस ने विशाखापट्टनम में एक काम किया है। इसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AI, इंटरनेट ऑफ थिंग और AI का लॉन्च का उद्घाटन केंद्र बनाया। मतलब इसने, नैरोकॉस कंपनी ने विशाखापट्टनम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि AI और IOL, इंटरनेट ऑफ थिंग, इन दोनों का क्या बनाया, उत्कर्ष केंद्र बनाया। मतलब इन दोनों का केंद्र बनाया है। कहाँ बनाया है? विशाखापट्टनम में। किसने बनाया है? नैरोकॉस कंपनी ने इन दोनों का केंद्र बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, इसमें बहुत सी गलत चीज़ें होती हैं। जैसे कि जैसे AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को कोई अलग से हैकिंग करना, कंट्रोल कर रहा, किसी और जगह से कंट्रोल करता है। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने विशाखापट्टनम में इसका केंद्र बनाया, यहाँ से ये हर चीज़ पे निगरानी रख सकेंगे। अभी फ़िलहाल में एक परमाणु समझौता हुआ है परमाणु सुरक्षा के लिए। परमाणु को सुरक्षा का बढ़ावा देने के लिए आई ए ई ए और जापान ने, मतलब परमाणु सुरक्षा एजेंसी, अभी ये परमाणु की जो सुरक्षा है, मतलब एजेंसी है ये, जिसका नाम क्या है, AIEA, परमाणु सुरक्षा एजेंसी। और जापान ने इसकी सुरक्षा के लिए एक समझौता किया है। मतलब इसने AIEA से जापान ने एक समझौता किया है और ये परमाणु सुरक्षा के लिए किया है। इस समझौते में दोनों देशों की, मतलब देशों की सेवा मुक्त रेडियो अस्पृत प्रबंधता और परमाणु सुरक्षा की क्षमता को मजबूती। मतलब अब परमाणु से सुरक्षा होगी, मतलब किस तरीके से, परमाणुओं का यूज़ देश के हित में होगा। जैसे कि बिजली बनाना, पावर जनरेशन हुआ, मतलब ये पावर डेवलप करना, और 2025 तक वैध रहेगा। इसने इस समझौता, ये मतलब ये दोनों के बीच समझौता हुआ, और ये समझौता कब तक वैध रहेगा, रहेगा 2025 तक। मतलब ये 4 साल के लिए समझौता हुआ, ये रहेगा वैध 2025 तक। उसमें इसके सहयोग केंद्र कौन कौन से होंगे, इसके सहयोग केंद्र के रूप में इन दोनों को चुना गया, जीए और आईवा, ठीक है। इनका नाम का विस्तरण सही से नहीं किया गया, बस इनको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। अभी उत्तराखंड ने फिलहाल में, जब उत्तराखंड ने अभी क्या किया था, चार धाम की यात्रा के लिए एक अधिनियम पारित किया था, ठीक है। उत्तराखंड ने चार धाम प्रबंधन प्रस्ताव दिया था, जिसको फिलहाल में निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया
उस प्रस्ताव ये कहाँ कहाँ के लिए, कौन मतलब कौन चार धाम की यात्रा में कौन कौन से वो आते हैं, चार धाम की यात्रा के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री या यमुनोत्री भी कह लो या जमुनोत्री कह लो, बात एक ही है, यमुनोत्री, और भी इसमें अन्य चार मतलब और भी चार अन्य मंदिर हैं इसमें, अन्य हिंदू मंदिर है ये, ठीक है, अन्य चार हिंदू मंदिर हैं और चार प्रविष्ट बिंदु, चार प्रविष्ट हिंदू मंदिरों को एक तीर्थ बोर्ड द्वारा, मतलब इन लोगों का एक बोर्ड है तीर्थ बोर्ड, इस बोर्ड ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार को खुद फैसला लेना पड़ा और इस चीज़ को निरस्त कर दे, इस प्रस्ताव को इस बोर्ड ने पहले निरस्त करा कि भैया हम नहीं करवा सकते, ये प्रस्ताव सही नहीं है, इसके विपक्ष में मतलब इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने खुद ही इसको निरस्त कर दिया गया। तीस नवंबर, 30 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है, 30 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है जिसको क्या कहा गया, रासायनिक, जिसको क्या गया, रासायनिक युद्ध दिवस, इसमें क्या किया गया था, जो रासायनिक युद्ध में पीड़ित लोग थे, जो रासायनिक युद्ध में पीड़ित लोग थे इनको मतलब जो रासायनिक युद्ध से मतलब किसी जैसे कोई लैब वैब में खोज करते हुए जैसे उनको दिक्कत आती शरीर एंटिक प्रॉब्लम मतलब कुछ भी शरीर में, तो इनके लिए 30 नवंबर को रासायनिक दिवस मनाया जाता है और रासायनिक दिवस के रूप में इन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, इन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। और ये कब से मनाया जा रहा है, ये 2005 से, ये 2005 से प्रारंभ हुआ था और पहले ये और ये इसकी पहले ये डेट थी, पहले इसको 29 अप्रैल को मनाया जाता था, 29 अप्रैल 1947-97 से इसको स्टार्ट किया, इसके बाद इसको 2005 में 30 नवंबर को, 30 नवंबर को मनाया जाता है, ये 29 अप्रैल 1997 मतलब इस चीज़ के ऊपर विचार हुआ कि पहले इसको इस डेट पे मनाया जाता है, मतलब इस सन से इसको स्टार्ट हुआ और फिर 2005 में इसको 30 नवंबर से मनाया जा रहा है, ठीक है। उसमें उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जो रासायनिक तौर पर पीड़ित हो, मतलब जिनके शरीर में रासायनिक मतलब लैब में कुछ करते हुए उनको शरीर में पीड़ित हो गए या जल गए या कुछ भी, तो उन लोगों के लिए मनाया, उनको श्रद्धांजलि जो मर चुके मतलब लैब में रसायन से कुछ भी खोज करते हुए तो मर चुके, तो उन लोगों के लिए मनाया जाता है। अब तो खैर काफ़ी सेफ्टी यूज़ होने लगी, अभी फ़िलहाल में नागालैंड पुलिस ने मतलब अपने देश में नागालैंड पुलिस ने एक मतलब जैसे लोग नहीं होते प्रॉब्लम में है, ठीक है, लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया, लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया, इस ऐप का नाम क्या है, इस ऐप का नाम है कॉल योर कॉप, योर कॉप मतलब पुलिस, कॉल योर कॉप। इस ऐप की खासियत क्या है, इस ऐप की खासियत है कि बन टच करते ही इसमें पुलिस को डायरेक्ट पुलिस के पास इस चीज़ की आएगी कि आप प्रॉब्लम है और आपको मदद चाहिए, तो पुलिस आपको इस चीज़ को तुरंत एक्शन देगी मतलब तुरंत इस चीज़ के ऊपर। और इस ऐप का शुभारंभ किसने किया, नागालैंड पुलिस के DGP, वहाँ के DGP कौन है, टी जॉन, वहाँ के DGP टी जॉन लॉन्ग कुमार, और इसको किसके द्वारा मतलब किसकी द्वारा बनाया गया, इसको बनाया गया CID मतलब इसके ऊपर CID द्वारा इस पर नज़र रखी जाएगी, CID द्वारा इसको, CID शाखा द्वारा मतलब इसकी शाखा होगी, CID की जो शाखा है उसके द्वारा इस चीज़ को डेवलप किया गया, इस शाखा के द्वारा
ये इस शाखा के द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया और ये इसको शुभारंभ किसने किया, टी जॉन लॉन्ग एंड कुमार ने। मतलब अब एक टच पे आपको कोई भी मदद पहुंच जाएगी वहां पे नागालैंड के लोगों के लिए। अभी ऑनलाइन विवाद बहुत हो रहे थे तो नीति आयोग ने, ऑनलाइन विवाद नहीं होते पैसा फंस गया या कुछ भी फ्रॉड होना, तो नीति आयोग ने ऑनलाइन विवाद को समाधान के लिए, ऑनलाइन विवाद के समाधान के लिए एक रिपोर्ट जारी की है। ऑनलाइन विवाद का समाधान के लिए एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का थीम क्या था, रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका थीम था डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ फॉर डिजाइन द फ्यूचर ऑफ फॉर इंडिया रेजुलेशन। The policy plan for India, इसका शीर्षक था। ये इसका शीर्षक था और ये किसके, डिजाइन द फ्यूचर ऑफ फ्रॉम इंडिया रेगुलेशन। ये किस शीर्षक के अंतर्गत आया, द ओल्ड पॉल्यूशन जी ला है, पॉल्यूशन प्लान फॉर इंडिया, ये इसका शीर्षक। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अभी फिलहाल में एक मर्सी को तो आप जानते ही होंगे, मर्सी संजय दत्त को बनाया गया अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, संजय दत्त उत्तराखंड का क्या बनाया गया, संजय दत्त को उत्तराखंड का एम्बेसडर सलाहकार। मतलब ये बिना किसी बात के इस चीज को सलाह दे सकते हैं। संजय दत्त को बनाया गया उत्तराखंड का एम्बेसडर, और उत्तराखंड का कौन सा एम्बेसडर बनाया गया, सलाहकार, कौन सा सलाहकार एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, नहीं इनको बनाया गया उत्तराखंड का एम्बेसडर, इनका सलाहकार एम्बेसडर एक अलग और होगा, इनका सलाहकार एम्बेसडर एक और होगा, राहुल मित्रा। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया था। संजय दत्त को बनाया गया उत्तराखंड का एम्बेसडर, और इनके साथ में, मतलब इनके कोई ना कोई तो होगा साथ में, इसलिए इनको बनाया गया, संजय दत्त के साथ बनाया गया राहुल मिश्र को सलाहकार। मतलब ये संजय दत्त को सलाह दें कि भैया यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है, तो इस चीज़ को सही कीजिए सरकार ने ये चीज़। चलो ये पॉइंट तो आपका क्लियर है। सरकार द्वारा एक पेंशन धारकों के लिए एक सेवा का वो किया गया, द्वितीयक सेवा सरकार द्वारा, द्वितीय योजना क्या है, अद्वितीय है। इस अद्वितीय योजना में जो पेंशन धारक होते थे उनके फेस, मतलब पेंशन धारक होते थे उनको जीवन प्रमाण पत्र, मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रतिवर्ष दिखाना पड़ता था कि भाई हम आएंगे, हम जिंदा हैं, मतलब इतने साल में पैदा हुए। तो सरकार ने एक अद्वितीय योजना स्टार्ट की। इस अद्वितीय योजना के तहत प्रमाण, जीवन प्रमाण के रूप में कार्य करेगा। मतलब इस योजना की तरह एक कार्ड दिया जाएगा, इनको कार्ड दिया जाएगा, इनका बनाया जाएगा कि भाई आप अपनी जेब में जिंदा थे, जिसका यूज़ ये बैंक में करेंगे पेंशन पाने के लिए, इसका यूज करेंगे।
इस अद्वितीय योजना में अद्वितीय एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, मतलब एक अलग से जिसको जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मतलब हर साल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी फिलहाल में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। क्यों लगाया 1 करोड़ का जुर्माना लगाया? क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने एक रेड, मतलब किसी की समस्या थी उसका बैंक अकाउंट रेड उसमें डलाता बास्केट में, मतलब क्या रेड वो कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी पैसे की, पैसा निकल नहीं रहा होगा, फंस गया होगा। तो आरबीआई ने इनसे कहा कि आप इस खाते की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो ये लोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इन लोगों ने अपने टर्म एंड कंडीशन में ऐसी बहुत सी, मतलब इनकी सुरक्षित सेवाएँ, सुरक्षा एजेंसी इतनी मतलब बेकार है कि फ्रॉड होने का कभी भी खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने आरबीआई ने 1 करोड़ का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया। और क्यों लगाया? और इसके एक और कारण और था, इसलिए लगाया क्योंकि इनकी धोखाधड़ी और संपत्ति विवाद, मतलब केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए, मतलब आरबीआई ने जो निर्देश जारी किए कि आइए आपकी सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए, तो इन्होंने अपनी सुरक्षा के संग खिलवाड़ किया। सुरक्षा के संग इनकी सुरक्षा बिल्कुल ना के बराबर थी, मतलब हैकर इनको हैक करके इनका पैसा कभी भी ले सकते और लोगों के संग फ्रॉड हो सकता है। इसलिए आरबीआई ने इनको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। कुछ लोग होते हैं लाइक देखते हैं मगर शेयर नहीं करते, व्यू नहीं आ रहे इस पर। थैंक फ्रेंड्स।